आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया को आरेखी चित्र की सहायता से समझाइए तथा इसका सार लिखिए। तो दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पाइरूवेट बनता है तथा इस प्रक्रिया में एटीपी के 38 अणु बनते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले ग्लूकोज का एक अणु भाग लेता है। यह ग्लूकोज हेक्सोज काइनेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है तथा एटीपी के एक अणु द्वारा एडीपी बनता है। यह ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोज फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद यह फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज की मदद से फ्रक्टोज 1-6 बाई फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। इसके दौरान एटीपी का एक अणु एडीपी में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद फ्रक्टोज बाई फॉस्फेट जो है, यह एल्डोलेज एंजाइम की प्रक्रिया द्वारा डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाता है। यह डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरेल्डिहाइड एसीटोन फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। फॉस्फेट आइसोमरेज की प्रक्रिया द्वारा। इसके बाद ग्लिसरेल्डिहाइड एसीटोन फॉस्फेट से हाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3-बाई फॉस्फो ग्लिसरेट में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया के दौरान 2 एडीपी के अणु 2 एटीपी में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद 1,3-बाई फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज फॉस्फो ग्लिसरेट
काइनेज एंजाइम की अभिक्रिया से 3-फॉस्फोग्लिसरेट में परिवर्तित हो जाता है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है यह म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फॉस्फोग्लिसरेट में परिवर्तित हो जाता है। 2-फॉस्फोग्लिसरेट एनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में परिवर्तित हो जाता है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है यह पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण पाइरुवेट में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया के दौरान 2 ADP के अणु से 2 ATP के अणु बनते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है, जिसमें कि विशिष्ट प्रकार के एंजाइम अभिक्रिया करते हैं तथा पाइरुवेट का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, ये थी ग्लाइकोलाइसिस चक्र की प्रक्रिया। आशा करते हैं दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।